सब जी जी हैं। किसी का दिल टूट गया ना, किसी का दिल टूट गया, डब्बा पड़ा हुआ है देखो। वो यहाँ पे आके बेच देते हैं। कौन है कौन है? छपरी टिकटॉकर। कहाँ है वो? ऊपर। बहुत ज्यादा गलत चीज है। ममता दीदी भी है। 10% डिस्काउंट ऑल आइटम्स। नजमगढ़ का गुंडा ये। नमस्ते भैया। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज इस वक्त मैं हूँ दिल्ली हार्ट के सामने। वैसे ये एक और दिल्ली हार्ट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो था NSP का, जो कि था रोहिणी में, और ये है जनकपुरी वाला। तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है हमने। ये है पूरा पार्किंग एरिया, 30 रुपये पार्किंग है इसकी। मेरे साथ है दीपक जी, अलका, मम्मी जी, अक्की जी, सब जी जी हैं। हाँ नमस्ते। तो गाइस, टिकट विंडो पर प्राइस 20 रुपीज। सो गाइस, ये है दिल्ली हार्ट। इधर पे क्या क्या चीजें हैं? कॉफी शॉप है, बाजार है, एक्सपोजिशन है, फूड कोर्ट है, ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर है। तो गाइज, सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ आपको थोड़ी कम ही मिलेगी और शॉप्स वगैरह क्लोज्ड ही मिलेंगे मोस्टली। रात को ज़्यादा खुलते हैं 6-7 बजे के बाद ठंडियों में। तो गाइज, मोस्टली यहाँ पे छपरी टिकटॉकर्स यानी कि छपरी रील्स वाले आते हैं, जो कि रील्स बनाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि 20 रुपये में सुबह 10 बजे से शाम को यानी कि रात के 10 बजे तक ये लोग आते हैं, हजारों रील्स बनाते हैं, फिर हमें इंस्टाग्राम पे परेशान करते हैं क्योंकि उनकी रील्स आती है बार बार। इसीलिए नीचे फूड कोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ले जाऊंगा। यहाँ पे रील्स बनाई जा रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा बढ़िया लगा मुझे। किसी का दिल टूट गया ना, किसी का दिल टूट गया, डब्बा पड़ा हुआ है देखो। तो दिल्ली हार्ट जो जनकपुरी वाला, इसी से जाना जाता है बेसिकली। ये बैम्बू के स्टिक्स से बना हुआ है, काफी लंबी बैम्बू स्टिक्स है यानी कि बांस की लकड़ियाँ, तो इससे ये पहचान होती है इसकी। खूबसूरत है, अच्छा है। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, आप लोग यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली दिल्ली हार्ट में जो आर्ट्स लवर होते हैं, जो जो अपने डेकोरेशन की चीज़ें बेचना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। दूर दूर से आते हैं और सीज़न वाइज, और शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी भीड़ इतनी दिखाई नहीं देगी क्योंकि सुबह का टाइम है और ठंडियों का टाइम है, इसीलिए शाम को इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और शॉप्स भी रंगारंग चमकती रहती है। तो अभी शॉप्स लगी हुई हैं, तो जिसके पास जो कला है वो यहाँ पर दर्शा सकता है, और जिसको जो बेचना हो अपने हैंडलूम्स वगैरह जो भी चीज़ बनाते हैं वो यहाँ पे आके बेच देते हैं, तो इसके लिए ये फेमस है। तो इधर शॉप्स फिलहाल खाली हो रही है, कोई इवेंट आएगा या फिर कोई मस्त त्यौहार आएगा तब ये भर जाएंगे, और आप लोग भी इधर अपनी शॉप्स लगा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ सामान बेचने में। तो झूला भी झूल सकते हो आप लोग बच्चों की तरह, जैसे हमारे अक्की भाई झूल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े सालों बाद बैठा हूँ भाई इस पे। चले दूसरी जगह। ओके। यहाँ पे गुजरात की चीज़ें दर्शाई गई हैं, गुजरात के, गुजरात में जिस तरीके से बनाया जाता है उनके बैग्स, पिलोज वगैरह, देखो हर एक चीज़ गुजराती स्टाइल में खरीद सकते हैं आप लोग यहाँ से। तो ये है जंगल टूर, यहाँ से आप देख सकते हैं, रेट 50 रुपये ऑल। बटन ऑन करेंगे तभी दिखेगा सही से। देखियो दिख रहा है जंगल, दिख रहा है। तो यहाँ से कनेक्शन जुड़ता है, यहाँ से आप देख सकते हैं जंगल टूर। बट मोस्टली शॉप्स इस वक्त क्लोज्ड है, मोस्टली शॉप्स ज्यादातर। तो ओमिक्रॉन के जैसे मार्केट काफी ज्यादा शट है यहाँ पे, मतलब बंद है। ये पत्थर मुझे थोड़े बहुत बढ़िया लग रहे हैं, झड़ रहे हैं पर। और ये यहाँ की फेमस जगह जहाँ पे टिकटॉकर्स रील्स वगैरह आते हैं, रील्स बनाने के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, रात को ही जाते हैं, दिन भर यहीं पर धूप सेकते हैं ठंडियों में, और गर्मियों में यहाँ पे बैठ के इंजॉय करते हैं। कौन है कौन है? छपरी टिकटॉकर। कहाँ है वो? ऊपर। नाइस। इस जगह पे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे दर्शक बैठते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये जो लिख रखा है आयुषी वगैरह, ये सब गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। लेट्स गो, ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं आपको। और आपको मैं ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ पूरा दिल्ली हार्ट यानी कि जनकपुरी का। तो ये वो सारा एरिया जहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, सामान लगते हैं डिस्प्ले के लिए, सारी शॉप्स हैं ये,
जिनके छत के ऐसे कोने दिख रहे हैं, सारी शॉप्स है, पूरा एरिया कवर करता है, लेकिन मोस्टली भी बंद है, लेकिन नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का, बहुत ज़्यादा। और ये फेस्टिवल्स में पूरा डेकोरेट हो जाता है, जैसे नवरात्रा हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, क्रिसमस हो गया, एंड मैरी मोर अदर फेस्टिवल। यहाँ मैंगो फेस्टिवल भी हुआ था, जहाँ हमें मतलब खड़े होने की जगह तक नहीं मिली थी, इतनी भीड़ थी उस दिन। चलो और यहाँ से देखिए अपना नज़ारा क्या खूबसूरत है, जो आपका अभी जगह दिखाई थी मैंने वो थी। यहाँ पे लोग बैठ के आराम से नज़ारा लेते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स का, हेरिटेज प्रोग्राम्स जो भी होता है, इवेंट्स वगैरह सब चीज़ का। वहाँ पे देखिए रील्स बन रही है, इस कोरियोग्राफिंग द रील्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं छपरी रील्स वाले, जो रील्स बनाते हैं हर जगह। 20 रुपए में आप सुबह से लेकर रात तक रील्स बनाएंगे और फिर अपलोड करेंगे, फिर अक्की जैसे लोग उनको देखते हैं। नहीं देखता भाई, मैं आप साहब दिन भर करता है, डिलीट कर दिया मैंने इंस्टाग्राम। अच्छा नाइस, तो हर जगह आपको रील्स वाले मिलेंगे, यहाँ पे उस साइड पे, उस साइड पे, उस साइड पे, उधर डांस भी हो रहा है, रील्स बन रही है, इस साइड पे, उस साइड पे, हर जगह। तो ठीक है, जो अच्छा बना रहा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं बना रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब चलते हैं फूड कोर्ट में और आपको दिखाता हूँ फूड कोर्ट। ममता दीदी भी है, 10% डिस्काउंट ऑल आइटम्स। और गाइस इस साइड है एग्जीबिशन हॉल, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन से लेयर दिखाई दे रही होगी पत्तों की, एग्जीबिशन हॉल, और वो है ऑडिटोरियम। तो बुकिंग्स वगैरह होती है, फिलहाल कोई ऑडिटोरियम में कुछ है नहीं, ना ही एग्जीबिशन हॉल में, इसलिए बंद है दोनों। गिफ्ट आइटम्स वगैरह भी ले सकते हैं आप लोग यहाँ से, किड्स जोन भी है इधर पे, बच्चों के खेलने की चीज़ें, स्पिरिचुअल पावर वगैरह सब चीज़, मतलब आपको हर एक चीज़ मिलेगी, बट फिलहाल बंद है। यहाँ के जो गार्ड्स है वो कह रहे हैं कि शाम को 4 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ होती है। और ये है यहाँ का फूड कोर्ट, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर पार्टीज़, बट फिलहाल बंद लग रहा है क्योंकि अंदर पूरा खाली दिख रहा है हमें, इसलिए। तो ये पूरा का पूरा फूड कोर्ट है, इसको किड्स जोन भी बोलते हैं। एक आधा झूला है इधर पे बच्चों की झूलने की। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें इसलिए बंद हो रखी है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में चल रहा है अभी, पहले बहुत अच्छा था, फिर बीच में तोड़ ताड़ के इसको कुछ नया बना रहे हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन के तौर पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बंद है और बहुत सारे स्टॉल्स भी खाली हो रखे हैं इसी चक्कर में। नहीं देखो, ये देखो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वापस से, इसीलिए ऐसा है, बंद कर रखा है। स्पाइसेस ऑफ इंडिया, मसाले मिल जाएंगे आपको, बट फिलहाल ये भी बंद है। सब कुछ कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, सब कुछ, हर जगह टूटा फूटा पड़ा हुआ है इस समय। तो फिलहाल बाहर कुछ दुकानें हैं, मोमोज वगैरह, फ्रूटी पेप्सी वगैरह, कुछ वेज फूड, कुछ स्नैक्स वगैरह, तो आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इस साइड भी है और इस साइड भी है, और इस साइड से हो जाती है एंट्री दिल्ली हार्ट के लिए, यानी कि एमपी थिएटर वगैरह के लिए। तो अक्की भाई, तुझे कैसा लगा यहाँ पे आके? कैसा लगा, खाली पड़ा था, जब जा रहे हैं तो भरने लग गया। नाइस नाइस, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, ठीक है, वन टाइम विजिट, उसके अलावा नहीं। कैसा लगा? ठीक था, सही है, तो बहुत ठीक था। कैसा लगा? सही है, कितनी बार आ रखे हम तो वैसे भी। तो गाइज मुझे भी ठीक ही लगा, कुछ इतना ज़्यादा खास लगा नहीं क्योंकि अभी बहुत सारी शॉप्स क्लोज्ड हैं इसीलिए, और कंस्ट्रक्शन पीरियड पे चल रहा है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, और कोविड की वजह से भी बहुत सारी शॉप्स क्लोज्ड है, और अभी दिन का ही टाइम है, 12-1 बज रहे हैं, तो ज़्यादा भीड़ है नहीं वैसे। तो अभी क्या करते हैं, अभी एग्जिट लेते हैं, बस इतना ही था और कुछ ज़्यादा था नहीं। कुछ और होता, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होता तो आपको दिखाता, बट उस टाइम पर कैमरा अलाउड नहीं होता शायद, मेरे हिसाब से। वैसे अभी कैमरा अलाउड है। काफी ज्यादा अच्छा है वैसे, गणपति बप्पा।
इधर भी कुछ शॉप्स वगैरह कुछ लगता होगा, ऑडिटोरियम कुछ भी लगता होगा इधर पे डिस्प्ले के लिए, लेकिन फिलहाल बंद है। और यही इसकी पहचान है जैसे मैंने आपको दिखाया था, बांस के डंडे। दूर से दिखने में आ जाता है कि ये दिल्ली हाट है, बांस से ही हर चीज़ बना रखी इन्होंने। इसकी बैरिकेडिंग भी देखो बांस से बना रखी है हर एक चीज़। तो ये इसकी पहचान है दिल्ली हाट की। कंस्ट्रक्शन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे कैमरा अलाउड है। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी, फोटो वीडियो वगैरह, जो दूसरा दिल्ली हाट था यानी कि रोहिणी में, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। काफ़ी ज़्यादा लोचा कर रहे थे और उनके जो गार्ड्स वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे कि मतलब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, आराम से आओ चिल करो, जितनी देर भी चिल करना है वो आपकी मर्ज़ी है। टिकट प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि 20 रुपये टिकट प्राइस है इसका, और पार्किंग आपको 30 रुपये मिलेगी 3 घंटे के लिए, उसके बाद बढ़ता रहेगा पार्किंग का चार्जेस 40 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसे करके। तो आप लोग अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको हैंडमेड क्राफ्ट की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, कपड़े वगैरह मिलेंगे जो खुद के हाथों से बनाए गए हैं, मशीन के द्वारा नहीं बनाए गए। तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दिल्ली हाट। तो आपको ये ब्लॉग दिखाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये घूमने फिरने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन जिन्होंने देखा है तो उनके लिए नॉर्मली जगह है और वन टाइम विजिट तो पक्का है ये प्लेस। इसलिए यहाँ पे आए, इंजॉय करिए, अपने फैमिली के साथ आए, मज़े करिए। वैसे ये कपल्स प्लेस ज़्यादा हो चुकी है अब तो, बस अभी हम चल रहे घर की तरफ। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, अभी यहाँ से सीधा घर आएंगे, गाड़ी का पोल्यूशन, उसके बाद निकलेंगे सीधा घर की तरफ। तो गाइस पोल्यूशन भी करवा दिया। सो अभी हम लोग खाने वाले हैं चूर-चूर नान, ट्राई कर की गरम है भाई, आप गोभी चूर-चूर नान है, गोभी चूर-चूर नान कैसा हो रहा है? तो डैशबोर्ड में रख देना, सही है सब, तो फिर मंगा आगे रख मंगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। नजमगढ़ का गुंडा ये, नमस्ते भैया, शेरू 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 शेरू, और बढ़िया है तू? हाँ बढ़िया। मारा वारा नहीं किसी को तूने आज? मारा वारा नहीं? अच्छा बढ़िया।